हिमांशु एसीबी कितने एक्साइटेड है उसके लिए? क्रिकेटर्स और एक्टर्स का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का होता है, बहुत ही लीथल होता है। एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट वी हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स, जैसे आई थिंक दिलीप ने कहा 70 टेलीविजन एक्टर्स अगर एक फील्ड पे हूँ और एक साथ ग्राउंड में हूँ तो मस्ती भी होगी, धमाल भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगा, क्रिकेट भी होगा, एग्रेशन भी होगा, थोड़ा गाली गलौज भी होगा। आई होप कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, बस दैट्स द ओनली थिंग। सो चार टीमें, क्या लगता है कि कौन सबसे बेस्ट टीम है और कौन है जो आप लोगों को टक्कर दे पाएगा? सी अभी एक्चुअली कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो हम लोगों ने प्रैक्टिसेज ही शुरू किए हैं अभी और बहुत 3-4 प्रैक्टिसेज हुई हैं, ज़्यादा हुई नहीं है। बट कॉम्बिनेशन देखने के बाद मुझे लगता है कि मुंबई की टीम काफ़ी अच्छी है, अहमदाबाद की टीम जय तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि ये है और वो है, तो आई एम श्योर उनकी टीम भी अच्छी होगी। बट क्रिकेट एक ऐसी गेम है ना जो ग्राउंड पर पता लगती है, तो उस समय उस मोमेंट पर समझ में आएगा कौन कितने पानी में है, बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, जैसे BCL भी अभी चल रहा है, सो टेलीकास्ट चल रहा है, करेक्ट, यस, हाँ। सो उसमें हमने देखा है कि जितना लोग मैच नहीं खेलते हैं उससे ज़्यादा एक दूसरे को बुली करते हैं, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, यार इसने मुझे ये बोल दिया, हाउ कैन शी टॉक अबाउट इट और ये वो, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ होने वाला है? यार BCL ना बहुत अलग फॉर्मेट है, BCL बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत एक्चुअली प्रेशर कुछ नहीं होता, लोगों को मज़ा आता है वहाँ पे। आई थिंक अटेंशन सीकिंग बहुत ज़्यादा है कि अगर मैं कुछ कर दूंगा तो मुझे अटेंशन मिल जाएगी, कैमरा मेरे ऊपर आ जाएगा, पैन हो जाएगा, आई विल गेट सम फुटेज। Yeah, unfortunately people want footage in that. I did not play BCL this year, knowing to the fact that, you know, somewhere down too much of things constantly happen. So mera man tha ki kuch aisa ho jo thoda professional ho, thoda zyada, thoda tameez aur respect ho. I think Karan Vahe ka kuch comment bhi aaya tha kal ya parso ki hum log cricket isliye nahi khelte ki koi aake hamari tauheen kare ya koi disrespect kare, itne logon ko, itne 15 saalon se hum kaam kar rahe hain, log respect karte hain hamare kaam ke liye. Koi bhi aata hai jisko kuch pata bhi nahi hai na cricket ke bare mein, na uski koi standing hai, koi bhi middle finger dikha ke chala jata hai, that's not fair, and that actually unfortunately happens in BCL. So I stayed away from the game. I'm happy playing here, which is more professional, and I think you need respect, that's very important, so this game does give you respect. अच्छा, कहते हैं कि जब आप किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़ते हो ना, आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप कितने फिट हो पहली बात, और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो? पहली बात तो आप देख लो कितना फिट हो, मैं कैसा लग रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी हर चीज़ के अंदर, तो मुझे लगता है बॉडी माइंड इतने कनेक्टेड है, अगर आप बॉडी का ध्यान रखते हो तो माइंड का अपने आप ध्यान हो जाता है, दैट्स वन। सेकेंड, मैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ, सो आई डू स्विमिंग ऑल्सो, आई डू जिमनास्टिक्स, क्रॉस फिट, एंड आई समटाइम्स योगा एज वेल। आई थिंक मैं थोड़ा रोटेट करता रहता हूँ, कभी कुछ, क्योंकि थोड़ा बोर हो जाता हूँ एक चीज़ से थोड़े टाइम के बाद, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप रोटेटिंग, बॉडी को भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, सो दिस इज आई जिमनास्टिक्स एंड स्विमिंग टुगेदर। आई वुड सजेस्ट इफ समबडी, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मुझसे कि सर क्या करना चाहिए फिटनेस के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जिम करो सिर्फ, आप सुबह सुबह उठो, उठो सुबह सुबह, बेसिकली मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना रातों रात को 4-4 बजे तक जागते रहते हैं, दैट्स ओके, बहुत सारे लोग 4-4 बजे तक जागते रहते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, फिर क्या फ़ायदा। आई थिंक वेकअप इन द मॉर्निंग, ट्रेन, गो आउट इन द गार्डन, थोड़ा वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, थोड़ा स्क्वैश खेलो, बैडमिंटन खेल लो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, खेलने से फ़ायदा होता है और बॉडी और माइंड को दोनों को फ़ायदा होगा, और फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लहरे के व्यूवर्स को क्या कहना चाहो? रिक्वेस्टिंग ऑल द व्यूवर्स एंड एवरीवन टू प्लीज वॉच एक्टर्स क्रिकेट बैश ऑन यूट्यूब व्हेन इट्स गोना बी एड, एंड होपिंग एंड प्रेइंग फॉर द बेस्ट, वी विल हैव अ ग्रेट फन, ग्रेट एंटरटेनमेंट एंड ग्रेट मस्ती। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ टन, सी यू।